अच्छा है, बहुत बढ़िया आपका कॉन्फिडेंस। आएंगे आपके पास, टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल भी आ गया है। टुडेज चाणक्य के मुताबिक कांग्रेस की सरकार का अनुमान है कांग्रेस को मिल सकती है 57 सीटें। तो चलिए लगातार हम ये आपको बता रहे हैं, आंकड़ों में तब्दीलियां हो सकती हैं। पहले एग्जिट पोल आएगा, फिर महा एग्जिट पोल आएगा। महा एग्जिट पोल भी हम आपको दिखा रहे हैं किस एजेंसी के मुताबिक क्या आंकड़े हैं। अब टुडेज चाणक्य की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने की बात टुडेज चाणक्य की तरफ से कही जा रही है, 57 सीट। अब मामला थोड़ा थोड़ा टीएस बाबा की तरफ जा रहा है, कांग्रेस को मिल सकती है 57 सीट, बीजेपी को 33 सीट। ये टुडेज चाणक्य के हिसाब से है, अन्य को कहा जा रहा है कोई सीट नहीं। तो क्या जोगी कांग्रेस इसे सुन पा रही है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टुडेज चाणक्य का क्या अनुमान है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और 57 सीटें यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए ये जो सर्वे है, ये जो एग्जिट पोल है, उसकी तस्वीर बाकी से थोड़ा सा ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में ये आंकड़े दिखा रहा है, सीट नंबर ऑफ सीट दिखा रहा है। कांग्रेस की सरकार का अनुमान तो पहले भी दिखा रहा था, लेकिन टुडेज चाणक्य कह रहा है कि कांग्रेस को मिल सकती है 57 सीटें। और बाबा का यहां पर जिक्र किया, पिछले कुछ दिनों पहले ही बाबा का बयान भी आया था कि देखिए भूपेश बघेल ही रहेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन कहा यह भी गया कि देखिए कह तो रहे हैं लेकिन दिल में दर्द तो अलग सा है। जी, सवाल उनसे यह भी किया जाता है अक्सर मुख्यमंत्री को लेकर, तब भी वो ये कहते हैं कि हाँ भाई क्यों नहीं बन सकता मैं मुख्यमंत्री। फिर यह भी उन्होंने कहा है कि अगर मौका नहीं मिला तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहरहाल बयानों पर भी जाएंगे, 3 तारीख का इंतजार भी करना है। इससे पहले बेहद खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अजय गंगवानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। अजय जी, क्विक रिएक्शन, मध्य प्रदेश में स्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण दोनों पार्टियों के लिए, छत्तीसगढ़ में थोड़ा एज कांग्रेस को। जी प्लीज गंगवानी साहब। जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, अजय गंगवानी प्रवक्ता। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, जो अभी चाणक्य का आपने पोल दिखाया 57 और 33, बहुत लंबा अंतर है। मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उम्मीद जी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लोकतंत्र में नैतिक साहस होना चाहिए कि लोकतंत्र ने जिसको जनता ने चुना उसको स्वीकार करें। देखिए हमें पूरा विश्वास था क्योंकि हमने इन 5 सालों में हर वक्त के न्याय के लिए काम किया, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी, युवा, हमें जो एग्जिट पोल का आ रहा है इसका पूरा अंदेशा था। और देखिए लगातार लोकतंत्र के महाकुंभ में 2 चरणों में चुनाव हुआ, लगातार हर वर्ग ने, महिला, युवा या जितने भी थे, सब लोग लंबी लाइनों में लगकर कतार में वोटिंग करते रहे। तो दिख रहा था कि भूपेश जी के नेतृत्व में हमने जो 5 साल का काम किया, जिसका नतीजा है आज 2.25 लाख करोड़ रुपए हमने 5 सालों में इनकी जेब में डाला, जिसका नतीजा कि 40 लाख लोग नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आज गरीबी रेखा से मुक्त हुए। तो ये लगातार इस बात का परिणाम है। और देखिए न केवल छत्तीसगढ़, हम छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य भी जो है वो सेमीफाइनल चुनाव जीतेंगे और आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। आज देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, न छत्तीसगढ़ में, न मध्य प्रदेश में, न राजस्थान में। ये माननीय मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात करते रहे, ये गलती इनके द्वारा पहले हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में, कर्नाटक में की गई, दोनों जगह के चुनाव परिणाम इस बात के प्रमाण है। ठीक, और दूसरा देख लीजिए कि आज जो गुटबाजी और अंतःकलह है भारतीय जनता पार्टी में, ये चरम पे है। न छत्तीसगढ़ में इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है। आज मध्य प्रदेश की बात करूं, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या शिवराज सिंह को मौका दिया? आज माननीय